और सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी एमक्यूएम पाकिस्तान के मियाती और नून लीग मुशाहिदुल्ला में आज भी तलकलामी हुई। चेयरमैन सेनेट खामोश कराते रहे। तफसीलात जान लेते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का इजलास जो है वो चेयरमैन सेनेट की सदारत में अभी भी जारी है और सेनेट इजलास में जो है वो आज फिर एक रोज की वक्त के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर मुशाहिदुल्ला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं वो तकरीर कर रहे थे कि मियां अतीक जो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं उन्होंने बीच जो है वो बोलने की कोशिश की जिस पर गर्मा गर्मी हुई थी। गर्मा गर्मी थी दोनों रहनुमाओं के दरमियान कालम में सब बात आ गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी दोनों रहनुमाओं को जो है वो चुप करवाने की हदायत भी जारी करते रहे बार बार और फिर दोनों की जानब से इस्तेमाल किए गए अल्फाज जो है वो भी सस्पेंड करवाए गए कार्रवाई से। सेनेटर राजा जफरुल हक जो कायदे हैं उन्होंने फिर उनको मौका दिया गया तो उन्होंने चेयरमैन सेनेट से दरख्वास्त की कि इस तरह का माहौल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बनना शुरू हो चुका है, आप बाकी सियासी जमातों के रहनुमाओं से इस बात की दरख्वास्त करें कि सेनेट इजलास के दौरान जो है वो अगर एक रहनुमा जो है वो तकरीर कर रहा हो तो उसके दौरान जो है बोला ना करें। इस पर चेयरमैन सेनेट ने रोलिंग देते हुए कार्रवाई के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसे एक्सटेंड करवाया और साथ में जो है वो सेनेटर मीर अतीक को वार्निंग की थी और हदायत जारी की कि आप अब जो है वो किसी भी रहनुमा की स्पीच के दौरान जो है वो बोलेंगे नहीं। उसके बाद जो है वो इवेंट का माहौल दोबारा से दुरुस्त हुआ और अब भी जो रहनुमा है जमातों के वो इजहार ख्याल करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी।